विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का इम्तिहान खत्म हो गया है और अब एक दिन का इंतजार है, जो इंतजार यह तय करेगा कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद राज्य में नई सरकार के गठन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बेसब्री से हरियाणा विधानसभा के मतदान के परिणाम का इंतजार हो रहा है। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। अब 10 साल बाद हरियाणा में सत्ता वापसी का संकेत मिलने से कांग्रेस जहां उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर एग्जिट पोल को हवा हवाई बताकर भाजपा खुद को तीसरी बार सत्ता की दौड़ में मजबूती से शामिल होने का और कांग्रेस के इस मुकाबले के पीछे रह जाने का दावा कर रही है। भाजपा का कहना है कि 8 अक्टूबर को नतीजे चौंकाने वाले होंगे, तो वहीं राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल इनेलो को भी पिछले चुनाव के मुकाबले सुधार की उम्मीद दिख रही है। आपको बता दें, 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो केवल एक सीट पर सिमट कर रह गया था। इस बार उसे अपने पुराने वोट बैंक के साथ 3 से 5 सीट मिलने की आस है। वहीं पिछले चुनाव की किंग मेकर बनी जननायक जनता पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। दिल्ली व पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी रेस में कहीं नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के रुझानों और झुकाव की बात करें तो कांग्रेस की जीत का पलड़ा भारी है और कांग्रेस की सत्ता वापसी में जाट, सिख, मुस्लिम और दलित वोटों की गुटबंदी का अहम रोल रहेगा। ओबीसी व सामान्य वर्ग का कुछ वोट भी कांग्रेस के हिस्से में आ सकता है। पिछले चुनावों की गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस ने शुरुआत से ही पार्टी को हरियाणा की सभी जातियों यानी 36 बिरादरी के रूप में पेश किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत जाट वोटों का लामबद्ध होना है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को मजबूत जाट नेता दिखाकर इस वोट बैंक को क्षेत्र दलों में बंटने नहीं दिया। चुनाव से 48 घंटे पहले भाजपा के दलित नेता अशोक तंवर को शामिल कर कांग्रेस ने भाजपा के दलित कार्ड की रणनीति को भी परास्त करने की कोशिश की। किसान व पहलवान आंदोलन और अग्निवीर की योजना को लेकर भाजपा के खिलाफ जो नाराजगी थी, कांग्रेस को उसका भी फायदा मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल से उत्साहित भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों ने उनके सरकार की उपलब्धियों और भाजपा की विफलताओं को देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। सैनी की तीसरी बार सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की दुकान है। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला के दावे की सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी पर हुड्डा ने कहा कि 8 अक्टूबर को पता जाएगा कि उनकी चाबी खो गई है। एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए भाजपा अब भी उम्मीद पर ही कायम है। उसकी उम्मीद का आधार ओबीसी सामान्य वर्ग और सरकार का लाभार्थी वोट बैंक है। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होगी तो मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में करीब 1% की गिरावट हुई है। भाजपा के कैडर वोट के घर से नहीं निकलने के दावे पर पार्टी का कहना है कि इस बार पार्टी कार्यकर्ता 2019 के चुनाव से ज्यादा मेहनत की है। पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कामयाब रहा है। पार्टी का दावा है कि 30 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा और कुछ भी उलटफेर हो सकता है। वहीं भाजपा की नजर निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी है। 6 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनाव में मजबूत दिख रहे हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मतदान खत्म होने के बाद उनके पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर दावे के साथ कह सकता हूं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का भी यही कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, हम 100% तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बात करें पिछले चुनाव के किंग मेकर जजपा की, तो वह इस बार एग्जिट पोल में पूरी तरह से साफ दिख रही है। 2019 के चुनाव में जजपा को करीब 14.9% वोट मिला था। राज्य में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाने में उसका अहम रोल था। सूत्रों के मुताबिक जजपा को पिछली बार जाटों ने तीसरे विकल्प के तौर पर चुना था। जजपा को मिला 14.9% वोट, कांग्रेस और इनेलो में शिफ्ट हो गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का कोई खास असर नहीं दिख रहा। लगभग सभी एग्जिट पोल में इनेलो बसपा गठबंधन को 3 से 5 सीटों का अनुमान जताया है। 2019 के चुनाव में इनेलो को 2.5 और बसपा को 4.2% वोट मिला था। इनेलो को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार बसपा और जजपा का कुछ वोट बैंक मिलने से इनेलो को 8 से 10% वोट मिल रहे हैं। इसकी वजह से उसे 3 से 5 सीटें मिल सकती है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनके आंकड़े हमेशा गलत रहे हैं, अब की बार फिर से गलत
साबित होंगे एग्जिट पोल, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था जिसमें कांग्रेस की जीत दिखाई थी, लेकिन बनी भाजपा की ही सरकार। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि चुनाव परिणाम इनेलो बसपा गठबंधन के पक्ष में आएंगे। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में झाड़ू का जादू नहीं चला है। हरियाणा में अकेले लड़ने से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरा नहीं होने से मतदाताओं ने पार्टी से दरकिनार किया है। पिछले कुछ चुनावों के मुताबिक कांग्रेस तभी अकेले सरकार बना पाएगी जब उसे 40% से ज्यादा वोट मिलेंगे। 2005 में कांग्रेस को 42.5% वोट मिला था, उस दौरान कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी। 2009 में 40% से कम वोट मिले तो कांग्रेस की सीटें खिसक कर 40 पहुंच गई। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ने और भाजपा के वोट बैंक स्थिर रहने पर तीसरे दल की भूमिका भी खत्म होती है। 2005 में 42% वोट मिलने पर तीसरे दल की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं 2019 में जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 30% से नीचे आया तो तीसरे दल की भूमिका के रूप में जजपा सामने आई। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझती है, इसलिए उसने इस चुनाव में तीसरे दल की भूमिका को सामने ही नहीं आने दिया। आपसे गठबंधन नहीं किया और इनेलो व जजपा को भी कोई मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ भाजपा का पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ गया था लेकिन सीटें कम हो गई थी। पिछली बार भाजपा को 36.7% वोट मिला था, सीटें 40 आई थी। 2014 में 33.3% वोट मिला था और सीटें 47 आई थी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां पार्टियां अपनी जीत की दावा कर रही है, वहीं इन पार्टियों के दिग्गज नेता सीएम पद के लिए भी दावेदारी से पीछे नहीं हट रहे और पार्टियों के अंदर सीएम पद की खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस की सरकार बनने के अनुमानों के बीच कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार के रूप में जाने जाते हैं। टिकट वितरण में कांग्रेस आलाकमान ने हुड्डा के पसंद के 72 उम्मीदवारों को उतारा। हुड्डा शुरू से ही लेकर अब तक कहते आए हैं कि ना तो वे टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड हैं, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी और आलाकमान ही तय करेगा कि सीएम कौन होगा। वहीं चर्चा यह भी है कि हुड्डा के रेस से बाहर होने की स्थिति में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम कुर्सी के लिए मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया है। वहीं हुड्डा की धूर विरोधी और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी सीएम पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में नजर आ रही है। उन्होंने कई मौकों और इंटरव्यू में अपनी दावेदारी को खारिज नहीं किया है। एक प्रमुख दलित चेहरा होने के उनके गांधी परिवार के साथ निकटता उनकी दावेदारी का मुख्य आधार है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला व कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी सीएम पद की दौड़ में छुपे रुस्तम की तरह हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में 67.90% मतदान दर्ज हुआ है, तो कौन होगा 2024 के विधानसभा चुनाव में विजयी और कौन सा योद्धा सीएम पद का हकदार होगा, और सिर्फ हकदार नहीं किसके सर पर सीएम की ताजपोशी होगी, यह तो चुनाव के परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा। तब तक देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।